वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं बाय डिवन मैथड। स्क्वायर रूट जब फाइंड करना होता है बाय डिवन मैथड, तो हमारे पास जो नंबर गिवन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने ये करना होता है, हमने ग्रुपिंग कर लेनी होती है। राइट साइड से आपने ग्रुपिंग कर लेनी है टू डिजिट्स की। ये हमारे पास नंबर है, थ्री डिजिट नंबर है, तो हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी होती है टू टू डिजिट्स की। ये राइट साइड से जो है ग्रुप बन गया एक, उसके बाद ये अकेला रह गया, इसको हमने सॉल्व करना है अकेले को। हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने स्टार्ट में वन डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को करना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ग्रुपिंग करने से कि हमने स्टार्ट में वन डिजिट को ही सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ एग्जांपल्स दिखा के। जब आपके पास ऐसा नंबर हो, फोर डिजिट नंबर, तो आपने क्या करना है, ये देखें। फिर हमारे पास क्या हो गई, ग्रुपिंग होगी राइट साइड से। ये टू डिजिट्स का ग्रुप बन गया और ये टू डिजिट्स का बन गया, तो हमें पता चल गया कि हमने स्टार्ट में फोर को सॉल्व नहीं ओनली करना, हमने 42 को सॉल्व करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं बाय डिवन मेथड, डिवाइडेंड ये डिवाइज़र गिवन नहीं होता, वो हमें खुद से लेना होता, खुद से उसको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए फिर हम ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, हमें पता चल जाए स्टार्ट में हमने वन डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को करना है। इसी तरह एक और दिखा देती हूँ, ये देखें फाइव डिजिट नंबर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि राइट साइड से ग्रुपिंग होगी, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, अब ये वन रह गया अकेला। इसका मतलब हमने स्टार्ट में वन को सॉल्व करना है, इलेवन को नहीं करना। समझ आ गई, चलें गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारे पास कि हमने यहाँ पर खुद से लेना होता है कि, और रूल क्या होता है, जो हमने यहाँ पर लेना है वही हमने यहाँ पर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टू ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी टू ही लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर टू ले रही हूँ तो यहाँ पर थ्री ले रही हूँ या कोई और नंबर ले रही हूँ, जो यहाँ पर लेना है वही यहाँ पर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं वन लूँ तो मुझे वन ही यहाँ पर लेना है, तो वन वन टाइम वन आ जाएगा, सही है। अगर मैं टू लेती हूँ तो यहाँ भी टू लेना है, तो टू टू टाइम्स तो फोर आ जाएगा, वन से बड़ा आ जाएगा, फोर वन के नीचे फोर तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम वन ही ले लेंगे यहाँ पर और वन ही यहाँ पर, वन वन टाइम वन आ जाएगा। माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। स्टार्ट में लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज रहने दें। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने ये करना होता है जो है नेक्स्ट को उतार लेना नीचे। अब जो सिंपल डिवाइड कर रहे होते वन वन डिजिट उतारते नीचे और सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ग्रुपिंग की हुई है हमने टू टू डिजिट्स की, तो फिर हम पूरा ग्रुप उतारते हैं। एग्जांपल दिखा देती हूँ थोड़ी सी, ये देखें जब हमने सॉल्व कर लिया वन को, ठीक है, उसके बाद हमने ओनली फोर वन को उतारा नहीं नीचे, हमने 14 को उतारा क्योंकि वो ग्रुप बना हुआ है, सही है। इसी तरह फिर हमने और जब उतारा नेक्स्ट स्टेप में, तो 49 पूरे को उतारा है, ओनली फोर को नहीं उतारा। इस तरह करना है आपने, तो हमने जो जीरो जीरो है उसको उतार लें नीचे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि ये डिवाइज़र तो समझ आ गई कैसे बनना है, नेक्स्ट कैसे बनेगा। नेक्स्ट में ये होता है जो यहाँ पर आ रहा है उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पर लिख दे, तो वन में वन को ही प्लस करें तो क्या आ जाता है, टू आ जाता है। समझ आ गई, ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, इसमें इसी को प्लस करें तो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। इसमें इसी को प्लस किया वन में वन को तो टू आ गया। अब टू के साथ ऐसा कोई लें जो यहाँ पर भी लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 14 से छोटा आ जाए। फिर हम लोगों ने जो है वन लेंगे तो वन यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, 21 को वन से करवाएं 21 बड़ा आ जाना था, इसलिए ज़ीरो ले लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर अगर आप वन लें तो यहाँ पर भी वन लें तो 21 वन टाइम 21 आ जाएगा, तो ज़ीरो के नीचे नहीं। हम टू के साथ अगर ज़ीरो ले लें तो हमें यहाँ भी ज़ीरो लेना होगा, तो 20 को ज़ीरो से करवाएंगे, ऑफ कोर्स 0 ही आ जाएगा, तो हम ज़ीरो ही ले लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो 20 को ज़ीरो से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। क्योंकि आगे माइनस करें तो 0 ही आ जाता है, या कुछ भी नहीं आता, 0 में से 0 माइनस करें 0 ही आ जाएगा। क्रॉस कर दें, बस क्रॉस का साइन लगा दें, उसके बाद आंसर आ गया 10, सॉल्व हो गया। यहाँ तक ये 100 है। अब आपने क्या करना है, 100 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, वो किसके इक्वल आ गया, वो 10 के इक्वल आ गया, जो क्वेश्चन में वो लिख दें आंसर, सही है। तो समझ आ गया, इस तरह हमने सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर देखें तो फिर हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जीरो लिया तो यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई करवाइए, आ गया माइनस किया, ये आ गया, ये उतारा। फिर जो ये करना है इसको भी एज इट रहने दें, इसको आपने क्या करना है, जीरो में जीरो के प्लस करवाएं तो जीरो आ जाएगा। साथ ऐसा कोई लेना जो यहाँ पर भी लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग जो नंबर गिवन होता है उसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको इस तरह लिख देते हैं, फिर जो नंबर है वो यहाँ पर लिख लें उसके प्राइम फैक्टर्स उसके सामने, फिर इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें, फिर ग्रुपिंग कर दें टू टू नंबर्स की। ग्रुपिंग कर ली तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया सबके ऊपर, टू टू टाइम्स था टू का स्क्वायर, इसी तरह टू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ये सारे बाहर आ गए, उनको मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जो 3136 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय डिवन मेथड, और अगर आप बाय डिवन मेथड से जो भी आपने सीखा है उससे स्क्वायर रूट फाइंड कर लें इस नंबर का, और आपके पास अगर 56 आ जाएगा तो आप करेक्ट है, इसका मतलब आपको अच्छे से आ गया।
फिर भी नहीं आता तो आप ये करें कि 2 से 3 वीडियोस देख लें, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है इसी जो है स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड पर भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर भी, जो आपने सीखना है उन दोनों पे प्लेलिस्ट है, आप सीख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप 2 से 3 वीडियोस देखें अच्छे से, आपको जो रिसेंटली अपलोड हुई हों वो आप देखें, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो फिर भी कुछ नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, कोई वीडियो चाहिए मुझे कह सकते हैं, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए बना दूंगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।